नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 24 घंटे से लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि वोटिंग के बाद रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट को लेकर के आपाधापी, और कहा जा रहा है कि मंथन का दौर शुरू है। तो वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने एक मीटिंग भी की है। हालांकि मीटिंग तो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सोर्सेज से पता चल रहा है कि हुई है, लेकिन इन सब के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति के हिसाब से जो 4 सीटों पर वोटिंग हुए हैं, उस वोटिंग के ट्रेंड और लोगों के टर्नआउट होने के बाद अब ये मंथन का दौर जारी है कि आखिर वोटर किधर टर्नआउट हुए हैं। खास करके अगर बात की जाए तो जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी, और जिस सीट पे इंडिया गठबंधन ने अपनी जीत दर्ज की थी, वो 3 सीटें हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के पास मात्र 1 सीट थी। लेकिन इन सब के बावजूद जब जब बात हुई है तो आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन लगातार इस बात का दावा करता रहा है कि वो इस बार 4 सीटों पर बाजी मारेगा, क्योंकि लोकसभा में जो कमियाँ रह गई थी उसे पूरा कर लिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या ये संभव है, क्योंकि पिछली बार आमने सामने की लड़ाई थी, उसमें एनडीए गठबंधन पिछड़ गया था, अब त्रिकोणीय मुकाबला है और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास MOI का समीकरण है और इस समीकरण में सेंधमारी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के कमज़ोर होने का फायदा एनडीए गठबंधन को मिलेगा, इस आधार पर ये बातें कही जा रही थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जनता दल यूनाइटेड ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा है कि बिहार सोशलिस्ट और गांधीवादियों का बिहार रहा है, गांधी जी का फोटो लेकर राजनीति के नाम पर प्रदर्शन करना बिहार की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा है कि आंकड़ेबाजी राजनीति का मतलब आंकड़ेबाजी नहीं होता है, आंकड़ों से यदि राजनीति होती तो जितने भी लड़के कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट, सब आंकड़े जुटाने वाले अभी भी MP MLA होते हैं। सिर्फ पैसों के बल पर भी राजनीति नहीं होती है। उक्त बातें गुरुवार को उन्होंने सहरसा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। अब आपको बता देते हैं कि सांसद आनंद मोहन ने जो बातें कही है उसमें बहुत सारी बातें सामने नजर आई है। इससे पहले जो हमने आपको बताया उसके पीछे आप समझ रहे हैं कि वो किसे टारगेट कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा निशाना प्रशांत किशोर है, और प्रशांत किशोर को लेकर के यानी कि वो समझ रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। इन सभी बातों को लेकर के जब उनसे सवाल पूछे गए तो सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया, लेकिन बड़ा स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि कोई अंतर नहीं पड़ना है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा जो किस तरह से शिविरों की तरह शहर बसाए गए हैं, पोर्टेबल सुलभ शौचालय, पोर्टेबल शहर घुमाए जा रहे हैं, युवाओं को बाइक दे करके दैनिक मजदूरी मजदूर की तरह राजनीति कराई जा रही है। ये ट्रेंड बिहार में नहीं है और बिहार की जनता इस बात को समझती है। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि बिहार में हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा और राजनीति के लिए ये शुभ संकेत है कि हम 5 दल साथ हैं। जो लोग विकल्प का ख्वाब पालते हैं, मैं कहता हूं कि जो विकल्प देते आए थे वो अब बिहार में नहीं चलने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा भी निकले थे, पप्पू यादव भी निकले थे, चिराग पासवान भी निकले थे, नागमणि भी निकले थे, ओवैसी भी निकले, यह सारे लोग जिनका मैं नाम गिनाया उनके सामने तो उसमें से कोई ऐसा नहीं है जिनका यह दसवां अंश भी हो। राजनीति के आधार पर उनका सीधा कहना है कि ये सभी लोगों का नाम हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि इनकी तुलना प्रशांत किशोर से नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये लोग सभी राजनीतिक रूप से समृद्ध नजर आते हैं या कहीं ना कहीं राजनीतिक इनकी अपनी एक पहचान है। 2025 तक के लिए उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी बन रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 4 सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर के स्पष्ट उनका कहना था, चुनाव में हार जीत से सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जदयू मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जदयू की तरफ से और जदयू के एक बड़े नेता हैं उनके तरफ से इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि जदयू ये मान चुकी है कि 4 सीटों पर वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने जा रही है। खास करके आपको हमने पहले ही बताया था कि जनता दल यूनाइटेड अभी के चुनाव पर ज़्यादा फोकस नहीं है, बल्कि 2025 के चुनाव पर नीतीश कुमार ने 225 सीटों का जो टारगेट दिया है उस पर काम कर रहे हैं, और यही बात आनंद मोहन ने भी कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सेमीफाइनल कहे जाने वाले चुनाव में अगर यही जदयू के नेता कहते हैं कि हार जीत से कोई असर नहीं पड़ता है तो 2025 में इसका क्या मायने निकाला जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाला है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700। धन्यवाद।